इस क्वेश्चन में है इफ x की वैल्यू ये दिखा रखी है देन दी वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इज, इस नंबर की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू ऊपर गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो x इज इक्वल टू हुआ स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस नंबर का रैशनलाइजेशन कर लेते हैं नीचे से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए। तो रैशनलाइजेशन में ये प्रोडक्ट होगा बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो साइन दोनों के बीच में है उसके अपोजिट साइन से, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी बनाना होता है। ए माइनस बी दे रखा है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट करवा दिया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बढ़ के नीचे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करवाएंगे तो स्क्वायर रूट हटके बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको माइनस करवाना है तो इसके साइन चेंज माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, और यहां से ये क्या हो जाएगा कैंसिल बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ऊपर इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट आएगी, और यहां से अगर चेक करते हैं तो दोनों ही नंबर क्या है सेम, बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर रूट प्लस में, प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट, दोनों सेम टर्म है और दो सेम टर्म्स की प्रोडक्ट उसका स्क्वायर लिखी जा सकती है। इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट इस नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और इसका स्क्वायर फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, दो टर्म्स के सम का होल स्क्वायर को लेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस में टू के साथ दोनों की प्रोडक्ट, तो इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा, प्लस में इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, और प्लस में टू के साथ दोनों की प्रोडक्ट, तो दोनों ही टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है तो प्रोडक्ट होके स्क्वायर रूट भी दिखाया जा सकता है, बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी, टू के साथ दोनों की प्रोडक्ट को ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा टू बी स्क्वायर, और आगे है प्लस टू, इस प्रोडक्ट को अगर खोल लेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, यानी वही दो टर्म्स एड हो रही है इस ब्रैकेट में और उन्हीं का डिफरेंस है सेकंड ब्रैकेट में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर फोर, और माइनस में बी दूसरी टर्म का स्क्वायर करवाएंगे तो इसका स्क्वायर क्या बढ़ेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे क्या है ए बी प्लस ए बी टू ए बी। तो ऊपर से हम यहां इन दोनों टर्म्स में से बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो बी बढ़ जाएगा, इसका मतलब इन में से हम बी बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट लेके। यहां से बी स्क्वायर कॉमन आया था जिसका स्क्वायर रूट लिया तो बी बन गया, और बी स्क्वायर इसमें से कॉमन लेने के बाद बचता क्या बी स्क्वायर, और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचता क्या ए स्क्वायर अपॉन टू ए बी, 2ab से डिवाइड कर दे सभी टर्म्स को ऊपर भी और नीचे भी, यानी 2ab से कट करें तो ये 2b से इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा b, और 2b से इसको डिवाइड करेंगे तो ओनली स्क्वायर रूट वाली टर्म बच जाएगी, और नीचे 2b से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा a। ये किसकी वैल्यू आ गई है x की। अब इस टर्म की वैल्यू हमने निकालनी है तो इस टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ये ए एक्स, यहां से x कॉमन लेने के बाद ए एक्स, और यहां से x कॉमन लेने के बाद माइनस टू बी, इसका रिजल्ट निकालना है, और x की जगह तो वैल्यू हमने ये निकाली दी है, फिर b प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, ये आ गया x की जगह, ax लेंगे
तो ये x की वैल्यू है, ये a से प्रोडक्ट होगी, तो नीचे वाला a कैंसिल होके ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, b प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू होगी ए एक्स की, और माइनस टू बी। तो यहां से b वाली टर्म्स का रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस बी, ऊपर से ही लिखे इसको, ये x की वैल्यू हमने छोड़ दी है यहां से, अगर जरूरत पड़ेगी तो। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, b प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, ये x की वैल्यू थी, और ये प्रोडक्ट हो रही है इसके साथ, तो यहां से स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव ये टर्म, और इन दोनों का रिजल्ट हो गया माइनस बी। अब अगर ये प्रोडक्ट खोल ले तो इन्हीं दोनों टर्म्स का बी और इसका सम है यहाँ, और यहाँ बी और इसका डिफरेंस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब पहले इसका स्क्वायर आएगा और इसका स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस में दूसरी टर्म का स्क्वायर, और दूसरी टर्म क्या है इसमें, माइनस बी इसका स्क्वायर, और नीचे क्या है ए, तो यहां से ये जो है जीरो बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस का और माइनस का, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बाई ए, और माइनस ए स्क्वायर को ए डिवाइड करेगा तो माइनस ए, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें।